फेशियल एसेंस, ये नाम सुनते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि एग्जैक्टली एसेंस क्या है, सीरम है, टोनर है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके माइंड में भी ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के प्रोडक्ट का एक डिटेल्ड रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ लॉरियल पेरिस के रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस से। लेकिन इस प्रोडक्ट को समझने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि एसेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझिएगा, तभी आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। स्किन केयर वर्ल्ड में एसेंस एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और कोरियन स्किन केयर रूटीन का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है। एसेंस स्किन की एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करता है और हेल्प करता है अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को स्किन में एब्जॉर्ब कराने में। जैसे आप प्राइमर का यूज़ करते हैं मेकअप से पहले, वैसे ही एसेंस भी एक प्राइमर का काम करता है आपके अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। एसेंस टेक्सचर में बहुत लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से ये स्किन में ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करके स्किन सेल्स को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। एज अ रिज़ल्ट आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आता है और स्किन सुपर हाइड्रेटेड दिखती है। एसेंस में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने के साथ ही स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ये थी बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एसेंस के बारे में, ताकि आप समझ सकें एसेंस क्या होता है। अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं तो मैं बहुत जल्द ही इस टॉपिक पे बहुत इजी वे में एक डिटेल वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर एसेंस की, जिसका नाम है लॉरियल पेरिस न्यू रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस की। लॉरियल पेरिस का ये एक न्यू लॉन्च्ड एसेंस है जो एक एडवांस्ड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एशियन स्किन के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरियल, ये आपकी स्किन में 10 लेयर्स डीप पेनिट्रेट करता है और स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग एंड क्रिस्टल क्लियर बनाता है। ये क्लेम सही है या नहीं, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रोडक्ट आपको 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट साइज 22 ml आपको 299 rupees में, सेकंड साइज 65 ml 799 rupees में एंड थर्ड साइज 130 ml 1400 rupees में अवेलेबल है। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप 22 ml की बॉटल से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपकी स्किन पे इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। ये बॉटल आपकी अराउंड 2-3 weeks तक चल जाएगी। मैंने भी पहले 22 ml की बॉटल ही परचेज़ की थी एंड जब मुझे अपनी स्किन में इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए तब मैंने इसकी मीडियम साइज़ की बॉटल परचेज़ की है। अब इसकी आउटर पैकेजिंग देख लेते हैं। सो गाइस, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसमें आपको कंपनी नेम, प्रोडक्ट का फुल नेम एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं एंड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। अब अंदर से इन दोनों बॉटल्स को देखते हैं। 22 ml की बॉटल आपको प्लास्टिक फॉर्म में अवेलेबल है एंड 65 ml की बॉटल आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास फॉर्म में। दोनों ही बॉटल्स ट्रांसपेरेंट हैं तो आप प्रोडक्ट का टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये एसेंस बहुत लाइट वेट और वाटर बेस्ड एसेंस है। इसका वाटरी टेक्सचर आप इजीली देख सकते हैं। वाटर बेस्ड होने की वजह से ये स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में बताया था कि एसेंस में हाई कंसंट्रेशन होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। इसमें भी स्किन ब्राइटनिंग एक्टिव्स प्रेजेंट हैं जो आपको आउटर पैकेजिंग में भी लिखा हुआ मिल जाएगा।
इसके साथ ही इसमें सेंटेला एशियाटिका एंड सेलिसाइलिक एसिड भी प्रेजेंट है, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। सेंटेला एशियाटिका, जिसे गोटू कोला भी कहा जाता है, ये एक हर्ब है और ये स्किन को हील करने के काम में आता है। आजकल ये काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। सेंटेला एशियाटिका स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करता है, स्किन को डीपली रिपेयर करता है और आपकी स्किन में अगर स्कार्स, मार्क्स, ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन हैं तो उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड, जो एक बहुत ही कॉमन BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये आजकल बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट है। बेसिकली इसका यूज़ होता है एक्ने ट्रीटमेंट में। ये स्किन को डीप क्लीन करके एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, पोर्स को क्लीन और अनक्लॉग्ड रखता है एंड स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करके डेड स्किन रिमूव करता है, जिससे स्किन क्लियर दिखाई देती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो मेन कंसर्न होता है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन का, एंड ये स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, फिर टोनिंग के बाद एंड सीरम अप्लाई करने से पहले आप इस एसेंस की 3-4 ड्रॉप्स लेकर जेंटली डैब करें स्किन में, जब तक ये फुली अब्जॉर्ब ना हो जाए। एसेंस को आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे आप जब भी अप्लाई करें तो रब ना करें बहुत ज़्यादा और कॉटन का यूज़ मत कीजिए। अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेकर शेयर कर रही हूँ। मैं ये प्रोडक्ट लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, तो इस प्रोडक्ट ने मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। दिन में 2 बार मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद मुझे अपनी स्किन प्लम्प्ड, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग एंड स्मूथ दिखती है। ये प्रोडक्ट ऑयली नहीं है, यही इसका बेस्ट पार्ट है। और आजकल ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है, तो स्किन ऑयली भी इजीली हो जाती है। इसीलिए मैं ह्यूमिड वेदर में सीरम स्किप कर देती हूँ और सिर्फ एसेंस ही अप्लाई करती हूँ। ऑयली स्किन पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई कर सकते, स्पेशली समर्स एंड ह्यूमिड वेदर में। तो ऐसे में एसेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। अगर आपकी स्किन भी ऑयली एक्ने प्रोन है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, आप इस प्रोडक्ट को कम से कम 3-4 वीक्स तक अप्लाई करें, इसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स अपने स्किन पे शो होंगे। तो चलिए, ये था एक डिटेल रिव्यू वीडियो L'Oreal Paris न्यू Revitalift क्रिस्टल माइक्रो एसेंस का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल।